भैया जहाँ पे आपको इंडिया में 5 डोर का जो ट्रेंड अब चल रहा है SUVs में, फॉर एग्जांपल जिमनी 5 डोर जो है वो तो लॉन्च हो चुकी है, बची जो है अब थार जो है 5 डोर बची हुई है, लेकिन उसके साथ एक और गाड़ी है जो कि जुड़ी हुई है जिसका नाम भैया फोर्स गुरखा है, लेकिन ये 5 डोर वर्जन में आने तो वाला है लेकिन ये एक पिकअप ट्रक होने वाला है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं, कब इसकी लॉन्च डेट है, कब इसका क्या होगा, तो जो भी होगा हम ही करेंगे इसका सब कुछ। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करिएगा कि आपको ये पिकअप ट्रक कैसा लगता है। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है पिकअप ट्रक जो है ये गोरखा का जो फोर्स गोरखा का जो पिकअप ट्रक है इसमें बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, बहुत सारे ऐसे नए किस्से सामने आ रहे हैं, बहुत सारी इमेजेस सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। फिर थोड़ा मैंने रिसर्च किया इसके बारे में तो भाई हाँ ये बात सच्ची है, जो फोर्स का गोरखा का वो जो प्रोडक्शन है उसी की नियर में इसका जो है वो देखा हुआ है, इन्होंने टेस्ट करा है लेकिन बिना कैमोफ्लॉक्स के भैया इसमें टेस्ट कर दिया है और लोगों में हड़बड़ी मच चुकी है। अब उनको इमेजेस सब कुछ मिल चुका है और वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ आएगी कब, ये पिकअप ट्रक आएगा कब। अब कईयों में तो कैमोफ्लॉक्स लगाया था लेकिन एक जगह पे नहीं किया था, पता नहीं क्या किस तरीके का टेस्ट कर रहे थे जहाँ पे इन्होंने कैमोफ्लॉक्स नहीं लगाया उसमें पिकअप ट्रक में, जिसके कारण जो है बंदे ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी भैया इंडिया में अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए और इसके बारे में जगह जा कर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अभी फ़िलहाल ये गाड़ी इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बारे में हम आपको कुछ बातें ज़रूर से बता सकते हैं। भैया इंजन की बात करें तो वही पुराना इंजन आपको मर्सिडीज़ का 2600 cc जो आता है, 90 bhp प्लस 250 Nm का टॉर्क, लगभग सभी गाड़ियों में इनके यही इंजन यही पावर मिलती है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, ऑटोमेटिक इसमें आपको प्रोवाइड नहीं करेगा किया जाएगा। इसमें आपको ना 2-3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल सिंपल रखी गई हैं, क्योंकि भाई इसका प्राइस जो है वो भी आपको सिंपल अफोर्डेबल ही होगा, तो इस कारण जो है इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स या ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, वही जो फोर्स गोरखा में आता है वही सेम चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। विंडोज़ 4 पावर और आपको एप्पल प्ले कार और एंड्रॉयड ऑटो प्ले कार जो भी है सब कुछ मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। इतना भी सिंपल नहीं मिलेगा कि आप बिल्कुल ही ऐसे बोलोगे कि भैया क्या दे दिया हमें ये। तो इसका नाम ना वैसे फोर्स गोरखा नहीं है, अगर आप इमेज ध्यान से देख रहे हो तो मैं जूम करके आपको बताता हूँ, कस्तारिया इसका नाम कुछ रखा हुआ है यार, या फिर कुछ भी कह लो, कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर लो इसके, मेरे से तो हो नहीं रही, आप खुद ही बता दो इसका नाम क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ठीक है। तो ये इसका नाम कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है और आगे देखते हैं कि कैसे ये किस नाम से ये लॉन्च होती है गाड़ी, किस नाम से नहीं। फ़िलहाल के लिए इसमें कोई लॉन्च डेट आपको अभी तक मेंशन नहीं करी हुई है किसी भी वेबसाइट में, किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से, लेकिन बहुत जल्द आपको ये पिकअप ट्रक जो है देखने को मिलेगा, इंडिया की सड़कों में दौड़ते हुए ज़रूर से नज़र आएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है थार जो 5 डोर वर्ज़न आ रहा है शायद उसी के आ जाए, मतलब आसपास में उसी के आसपास में जो है लॉन्च कर दे, क्योंकि भाई टक्कर तो इन्हीं दोनों की गाड़ियों की है, फोर्स गोरखा और थार की। तो फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही था वीडियो में, कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो पता नहीं क्या करना, लाइक करना यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।